Student, this question is borrowed from MSc entrance exam JNU. A mass and spring consists of two blocks of mass capital M and one block of mass little m. These blocks are connected with two identical springs of spring constant K as shown. The system is constrained to move along a straight line on a frictionless horizontal surface. The spring follows Hooke's law. Find the angular frequencies of the independent oscillations. Bracket mean normal modes. Now, the masses capital M and little m are interchanged. Capital M ke place pe little m ke place pe capital M. And new arrangement is shown in the following figure. The ratio of frequency of the new arrangement to that of the old arrangement when the middle block remains stationary is root 2. Find ratio of frequencies in two arrangements when middle block oscillates. अब ये first case है, ये second case है. First case will be considered later. हम सबसे पहले second case को consider कर रहे हैं. Second case में आप figure देख रहे हैं, little m इधर है, आजू बाजू में और बीच में capital M है. ये spring है और इनके ये stiffness constant K. Say this is spring 1, this is spring 2. अब ये equilibrium state दिखाए हुए, ये spring normal length में है इस वक्त, natural length में. अब आप student देखिए, इसमें आप एक देख रहे होंगे ईटा 1, एक ईटा 2 और एक ईटा 3. टेक ईटा 1, ईटा 2 एंड ईटा 3 एज आर्बिट्रेरी वैल्यूज. सो लेट ईटा 1 एंड ईटा 2, ईटा 3 रिस्पेक्टिवली बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक एंड third block at certain instant of time, and assume eta 3 is greater than eta 2, greater than eta 1. तो ये जितने blocks हैं ये point mass की तरह treat करेंगे. ये arbitrary displacement हमने दिखाई है इन दो तीनों blocks के इक्विलिब्रियम स्टेट से. ये ब्लॉक की पुरानी पोजीशन, ये नई पोजीशन, ये ओल्ड, ये न्यू, ये ओल्ड, ये न्यू, और ये ओरिजिन. जितनी भी ये पोजीशंस हैं मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यहां से लेके यहां तक x10, यहां से लेके यहां तक x20, यहां से लेके यहां तक x30. और ईटा 1 डिस्प्लेसमेंट के बाद ये लिटिल एम यहां से उठ के यहां पे पहुंच गया, ईटा 2 डिस्प्लेसमेंट इसका यहां से उठ के यहां पहुंच गया, ईटा 3 के बाद ये यहां से उठ के यहां पहुंच गया. ये जनरल कॉन्फिगरेशन है. तो x1 जो है यहां से लेके यहां तक, x2 यहां से लेके यहां तक, x3 यहां से लेके यहां तक. तो आप ये देखिए, ये x10 है, ये ईटा 1 है. तो नेचुरली x1 कितना हो जाएगा, x10 + ईटा 1, ये x2 है और ये ईटा 2 है और ये x20 है. तो
तो इसका मतलब एक्स टू कितना हो जाएगा, एक्स टू जीरो प्लस ईटा टू। इसी तरीके से एक्स थ्री कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक एक्स थ्री जीरो और ये ईटा थ्री। तो एक्स थ्री इज एक्स थ्री जीरो प्लस ईटा थ्री। और ये एरो सबसे बड़ा, उससे छोटा, ये सबसे छोटा। एरो का साइज जो है वो वैल्यू बताता है। तो वैल्यू ईटा थ्री ज्यादा है, उससे छोटी वैल्यू ईटा टू, सबसे छोटी वैल्यू ईटा वन। सो दैट स्प्रिंग्स आर इलोंगेटेड और स्ट्रेच्ड, यानी स्प्रिंग्स आर एक्सटेंडेड एंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग, कितना हो जाएगा ईटा टू माइनस ईटा वन। इसी प्रकार से इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सेकेंड स्प्रिंग कितना हो जाएगा, ईटा थ्री माइनस ईटा टू। ईटा वन जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक वन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, और डिस्प्लेसमेंट जो है ईटा वन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक वन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन विच इज फाइनल पोजिशन ऑफ ब्लॉक वन माइनस इनिशियल पोजिशन ऑफ ब्लॉक वन। तो फाइनल पोजिशन जो है आप देखेंगे, इसकी फाइनल पोजिशन एक्स वन है, इसकी इनिशियल पोजिशन एक्स वन जीरो है। तो ईटा वन इज एक्स वन माइनस एक्स वन जीरो। इसी प्रकार से ईटा टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम यानी ब्लॉक टू फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, तो आ जाएगा फाइनल पोजिशन ऑफ ब्लॉक टू माइनस इनिशियल पोजिशन ऑफ ब्लॉक टू। फाइनल पोजिशन ऑफ ब्लॉक टू इज एक्स टू, इनिशियल पोजिशन ऑफ ब्लॉक टू इज एक्स टू जीरो, यानी एक्स टू माइनस एक्स टू जीरो। अब नेक्स्ट मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो उसके बाद स्टूडेंट ये ब्लॉक्स की आप एफबीडी बना दें, फ्री बॉडी डायग्राम। लिटिल एम की ये एफबीडी मैंने बनाया, फोर्स बॉडी डायग्राम यानी फोर्स ऑन बॉडी डायग्राम, क्योंकि स्मॉल एम के जो राइटवर्ड जो फर्स्ट स्प्रिंग था वो इलोंगेट हो रहा था ईटा टू माइनस ईटा वन से, और कोई भी एक्सटेंडेड स्प्रिंग हमेशा ब्लॉक पे पुलिंग फोर्स लगाता है। तो ये पुलिंग फोर्स है के इन टू ईटा टू माइनस ईटा वन, और ये मोशन, तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमने लगाया, नेट फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास एक्सेलरेशन, क्योंकि इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट आपने ईटा वन ली थी, तो एक्सेलरेशन इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डबल डॉट का मतलब टाइम डेरिवेटिव, और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये जो नेट फोर्स है वो है के इंटू ईटा टू माइनस ईटा वन। इस ब्लॉक पे सिर्फ यही फोर्स लगी है जो कि स्प्रिंग फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स है। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो मैंने लिखा, इट कैन बी रिटन एज एम ईटा वन डबल डॉट, यूज तब जाके माइनस हो गया इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद हम बीच वाले ब्लॉक की बात करेंगे, सेंट्रल ब्लॉक विच इज कैपिटल एम विच इज लेबल्ड एज ब्लॉक टू। कैपिटल एम के दोनों तरफ स्प्रिंग है, और दोनों स्प्रिंग जो है इलोंगेटेड है, एक्सटेंडेड है, स्ट्रेच्ड है, और जो फर्स्ट स्प्रिंग है उसमें स्ट्रेच ईटा टू माइनस ईटा वन था, जो सेकेंड स्प्रिंग है उसमें स्ट्रेच या इलोंगेशन ईटा थ्री माइनस ईटा टू है। और कोई भी जो इलोंगेटेड या एक्सटेंडेड स्प्रिंग होता है वो हमेशा ब्लॉक पे पुलिंग फोर्स लगाता है, ये पुलिंग फोर्स ऑन ब्लॉक, ये भी पुलिंग फोर्स ऑन ब्लॉक, ये पुलिंग फोर्स ऑन ब्लॉक कैपिटल एम बाय फर्स्ट स्प्रिंग, ये पुलिंग फोर्स ऑन ब्लॉक कैपिटल एम बाय सेकेंड स्प्रिंग। तो देयरफॉर न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और कैपिटल एम ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट था वो ईटा टू था, और एक्सेलरेशन इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए डबल डॉट। और चूंकि मोशन राइट साइड है तो ये फोर्स इसके पैरेलल, ये पॉजिटिव, ये फोर्स इस मोशन के अपोजिट है तो नेगेटिव। तो ये नेट फोर्स हो गया जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन है, और हम सब जानते हैं फोर्स कॉज होता है और एक्सेलरेशन उसका इफेक्ट होता है। तो ये नेट फोर्स जो है ये कॉज है, और उसका इफेक्ट जो है आप ईटा टू डबल डॉट देख रहे हो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन इज ये उस तरफ जाके माइनस, और ये जो प्लस माइनस वाली टर्म उस तरफ जाके प्लस होगी इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार से जो तीसरा ब्लॉक है विच इज लिटिल एम, और लिटिल एम के इस तरफ स्प्रिंग टू था
और स्प्रिंग टू एक्सटेंडेड है जिसने स्ट्रेच ईटा 3 माइनस ईटा 2 है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स की जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, पुलिंग फोर्स है जो कि स्प्रिंग सेकंड स्प्रिंग लगा रहा है इस छोटे एम के ऊपर ब्लॉक 3 के ऊपर। तो नेचुरली हम चूंकि मोशन राइटवर्ड है तो ये जो फोर्स है इसके अपोजिट है, तो इसलिए माइनस आ गया। क्योंकि ये फोर्स इस मोशन के अपोजिट है तो माइनस, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगा, ये माइनस उस तरफ जाके प्लस। अब ये तीनों इक्वेशन को एक तरीके से मैंने लिखा, ये एम ईटा 1 डबल डॉट, ये प्लस के ईटा 1 माइनस के ईटा 2 और ईटा 3 मिसिंग तो जीरो। इसी प्रकार से हमने इसमें पहले ईटा 1 वाली टर्म्स लिखेंगे, ये माइनस के ईटा 1, फिर प्लस कैपिटल एम ईटा 2 डबल डॉट और ये माइनस माइनस प्लस 2 के ईटा 2, क्योंकि ये भी के ईटा 2, ये भी के ईटा 2, 2 के ईटा 2 और ये माइनस के ईटा 3 और इज इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार से इसमें आप देखिए, इसमें ईटा 1 मिसिंग है और ये माइनस के ईटा 2 प्लस लिटल एम ईटा 3 डबल डॉट प्लस के ईटा 3 इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट ये देखिए, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बोला कि जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं उसमें आपको मैं फिर रिपीट कर दूं, एक्स वन ईटा 1 ईटा 2 मैंने आर्बिट्री वैल्यूज ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 लिए थे। शो हमने वी हैव शोन फोर्सेस ऑन ऑल द ब्लॉक्स फ्रॉम स्प्रिंग्स एंड देन वी हैव रिटन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड वी हैव रिटन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड गेट दीज इक्वेशंस। तो ये मानते हुए कि ईटा 3 ईटा 2 से बड़ा है, ईटा 2 ईटा 1 से बड़ा, दोनों स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं। और इसके बाद जो मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, सेकुलर डिटर्मिनेंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम, आपको क्योंकि नॉर्मल मोड्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड्स जो है दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय गेसिंग, बाय एस्टिमेटिंग या बाय मेकिंग एजुकेटेड गेस द नॉर्मल मोड कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम सिमेट्री कंसिडरेशन एंड एज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ ए नॉर्मल मोड एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो इसीलिए मैंने जो लेट ओमेगा आई विल से लेट ओमेगा बी फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड, तो लेट ओमेगा बी फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड, तो देयरफॉर वी शैल से ईटा 1 इज कैपिटल ए ई टू पर आईटा ओमेगा लिटिल टी, ईटा 2 इज कैपिटल बी ई टू पर आईटा ओमेगा लिटिल टी, ईटा 3 इज कैपिटल सी ई टू पर आईटा ओमेगा लिटिल टी। तो ईटा 1 डबल डॉट क्या आएगा, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ई टू पर आईटा ओमेगा टी इनटू कैपिटल ए, और ऐसे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस, इसमें भी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा कैपिटल बी पर राइट ओमेगा टी, ऐसे ही इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल सी पर राइट ओमेगा लिटिल टी। सो दस इक्वेशंस बिकम, इनमें हमने ये देखिए लिटिल एम ईटा 1 डबल डॉट की जगह मैंने लिखा, ईटा 1 डबल डॉट की जगह मैंने लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए और साथ में ई टू पर राइट ओमेगा टी है, प्लस के ईटा 1 के प्लेस पे मैंने लिख दिया फिर ए ई टू पर आइट ओमेगा टी, माइनस के ईटा 2 की जगह लिख दिया कैपिटल बी टू पर आइट ओमेगा टी और 0 इनटू ईटा 3 और ये ई टू पर आइट ओमेगा टी कॉमन विच इज फाइनाइट, तो इसका मतलब ये जो फैक्टर विद इन द ब्रैकेट है वो 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे माइनस के और फिर ईटा 1 के प्लेस पे ए ई टू पर आइट ओमेगा टी प्लस कैपिटल एम ईटा 2 डबल डॉट की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल बी ईट पर आइटा ओमेगा टी और साथ में कैपिटल एम प्लस 2 के और ईटा 2 की जगह ये सारी वैल्यू माइनस के और ईटा 3 की जगह ये वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक इसी प्रकार से यहाँ माइनस के ईटा 2 के प्लेस पे बी ईट पर आइटा ओमेगा टी प्लस लिटल एम और ईटा 3 डबल डॉट की जगह माइनस सी ओमेगा स्क्वायर माइनस सी ओमेगा स्क्वायर ई टू पर आइट ओमेगा टी और ये लिटिल एम प्लस के ईटा 3 की जगह सी ई टू पर आइट ओमेगा टी, ये ध्यान दें मैं ई टू पर आइट ओमेगा टी मैंने कॉमन ले लिया विच इज फाइनाइट, तो ये फैक्टर विद इन द ब्रैकेट इन दोनों इक्वेशंस में 0 हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाई इक्वेटिंग द सेक्युलर
डिटरमिनेंट इज टू जीरो। आप जानते हैं सर्कुलर डिटरमिनेंट जो है, सर्कुलर डिटरमिनेंट विल गिव अस ओमेगा। जब मैं इस सर्कुलर डिटरमिनेंट को जीरो के बराबर रखूंगा तो दैट सर्कुलर डिटरमिनेंट विल गिव मी ओमेगा। तो आप ये देखिए, इधर कैपिटल ए के कोएफिशिएंट है माइनस ओमेगा के, लिटिल एम प्लस के, कैपिटल बी का कोएफिशिएंट माइनस के, कैपिटल सी का कोएफिशिएंट जीरो। सेकेंड इक्वेशन में कैपिटल ए का कोएफिशिएंट माइनस के, कैपिटल बी का कोएफिशिएंट माइनस ओमेगा के, कैपिटल एम प्लस टू के, कैपिटल सी का कोएफिशिएंट माइनस के, फिर कैपिटल ए का कोएफिशिएंट जीरो, कैपिटल बी का कोएफिशिएंट माइनस के, कैपिटल सी का कोएफिशिएंट माइनस ओमेगा के, लिटिल एम प्लस के। तो ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। फिर हमें ये सॉल्व करना था माइनस ओमेगा के, लिटिल एम प्लस के, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, दिस इंटू दिस माइनस अपनी तरफ से दिस इंटू दिस। तो ये आगे फिर माइनस इंटू माइनस के, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, तो माइनस के इंटू दिस, और ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, तो इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर अब आप देखिए माइनस ओमेगा के और लिटिल एम प्लस के यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आएगा माइनस ओमेगा के कैपिटल एम प्लस टू के इंटू माइनस ओमेगा के लिटिल एम प्लस के माइनस के स्क्वायर। और जो है ये माइनस माइनस जो है दैट इज प्लस और इंटू माइनस, तो ये माइनस के स्क्वायर, ये कॉमन आ गया था, ये भी कॉमन आ गया था, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमें यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमें पता। तो स्टूडेंट अब ये जो इक्वेशंस सर्कुलर डिटरमिनेंट को जीरो रखने के बाद ये पॉसिबिलिटीज अराइज हो रही है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज माइनस ओमेगा के, लिटिल एम प्लस के इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वी शैल से ओमेगा इज रूट के वाई लिटिल एम, ये सिमेट्रिक मोड है। सेकेंड पॉसिबिलिटी थी ये वाली इक्वेशन जो है दिस इज इक्वल टू जीरो, ये तो नलीफाई एनल हो गए दोनों, और ओमेगा के यहाँ से कॉमन, तो ये इक्वल टू जीरो। और देयरफॉर अगर ये चीज इक्वल टू, अगर ये ओमेगा जीरो है तो ये नॉन जीरो है, लेकिन ओमेगा जीरो को मैंने रूल आउट कर दिया क्योंकि ओमेगा जीरो तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये जीरो, क्योंकि फाइनाइट इनटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इज जीरो, एंड व्हेन वी वर्क आउट तो ओमेगा ही आ जाएगा। तो इसका मतलब जो पहला केस है ओमेगा इज रूट, जो हमने सेकेंड केस पहले लिया था तो उसमें ओमेगा जो है दैट इज ओमेगा वन विच इज रूट के वाई लिटिल एम, दैट इज द सिमेट्रिक मोड यानी मोड वन, वेयर वी शैल से मोड वन में हम ये कहेंगे कि टू ब्लॉक्स जो जहाँ पे जब मैंने सेकंड केस लिया था यहाँ लिटिल एम था, या लिटिल एम था या कैपिटल एम था, वो न्यू अरेंजमेंट मैंने पहले लिया, ये ओल्ड अरेंजमेंट हमें ये दिया हुआ था, ये ओल्ड अरेंजमेंट है जहाँ कैपिटल एम कैपिटल एम बीच में लिटिल एम, और न्यू अरेंजमेंट में लिटिल एम बीच में कैपिटल एम, लेकिन मैंने न्यू अरेंजमेंट को मैंने पहले कंसिडर करके ये सारी चीज़ें सोल्व की। और तो हम जहाँ पे हम ये कहेंगे जहाँ, क्योंकि न्यू अरेंजमेंट पे ये लिटिल एम कैपिटल एम, तो टू लिटिल एम, ये लिटिल एम दे मूव, बट जो बीच वाला कैपिटल एम है दैट रिमेंस एट रेस्ट। जब स्मॉल एम मूव एंड कैपिटल एम रिमेंस एट रेस्ट तो सिमेट्रिक मोड, उस केस में नॉर्मल मोड की फ्रिक्वेंसी रूट के वाई लिटिल एम। और जो अनदर पॉसिबिलिटी जो हम नॉर्मल मोड की देख रहे हैं उसमें ओमेगा ये चीज आई है, तो उसमें जो ओमेगा जो है दैट इज सेकंड मोड में ओमेगा टू, जिसमें ये हमें फार्मूला मिला ओमेगा टू का, दिस इज एसिमेट्रिक मोड फॉर विच कैपिटल एम एंड जो स्मॉल एम और ये कैपिटल एम थे दे मूव इन अपोजिट वे, ये मोड टू था। तो मोड टू इज एसिमेट्रिक मोड, मोड वन इज सिमेट्रिक मोड। अब हम कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर रहे हैं जो कि ओल्ड था, जो कि कैपिटल एम बीच में लिटिल एम, के स्टिफनेस कॉन्स्टेंट, फर्स्ट स्प्रिंग सेकंड स्प्रिंग। तो अब इसको दोबारा हम सोल्व करेंगे हियर बाय एनालॉजी, ओल्ड अरेंजमेंट पे जो ओमेगा वन डैश आ जाएगा वर्स स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम आ जाएगा, और ओमेगा टू डैश में भी ये ओल्ड अरेंजमेंट के लिए कैपिटल एम की जगह लिटिल एम की जगह कैपिटल एम, और लिटिल एम की जगह कैपिटल एम की जगह लिटिल एम। तो ये ओल्ड अरेंजमेंट में जो नॉर्मल मोड्स की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो मैंने सिंबल ओमेगा वन डैश ओमेगा टू डैश लिए, और जो न्यू मोड थे जो कि उसमें मैंने ओमेगा वन ओमेगा टू लिए थे।
क्वेश्चन का अगर स्टेटमेंट ध्यान से देखे तो न्यू ओवर ओल्ड, न्यू के लिए ओमेगा वन और ओल्ड के लिए ओमेगा वन डैश, ये रेशियो हमें क्वेश्चन में रूट टू दिया हुआ है, और ओमेगा वन जो है के तो दोनों में कॉन्स्टेंट है, तो ओमेगा वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट लिटिल एम, ओमेगा वन डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट कैपिटल एम, तो ओमेगा वन डिवाइडेड बाई ओमेगा वन डैश ये आ जाएगा, और ये रेशियो में क्वेश्चन में रूट टू दी हुई है, और स्केयर क्रॉस मल्टीप्लाई स्केयरिंग बहुत सही, तो कैपिटल एम इज टू लिटिल एम। इसी प्रकार से फिर हम न्यू और ओल्ड का रेशियो जो हमें हमें अब वो पूछ रहा है कि जो पहला वाला मोड था जिसमें सिमेट्रिक मोड था जिसमें बीच वाला ब्लॉक कैपिटल एम जब ये लिटिल एम ये कैपिटल एम जब बीच वाला ब्लॉक रेस्ट पे था और बाकी जो छोटे एम मूव कर रहे थे तो उसमें तो हमें ये रूट टू दिया हुआ था, लेकिन फिर उसने ये कहा कि अगर अगर मतलब उसमें न्यू अरेंजमेंट में अगर सेंट्रल ब्लॉक, क्योंकि ये लिटिल एम या कैपिटल एम अगर न्यू अरेंजमेंट में जो सेंट्रल ब्लॉक को सिलेक्ट करे तब वो जो ये न्यू और अरेंजमेंट ओल्ड अरेंजमेंट की फ्रीक्वेंसी की रेशियो क्या होगी ये हमारे से वो उम्मीद लगा रहे हैं। तो उस केस में जो जिसने जब सेंट्रल ब्लॉक को सिलेक्ट करेगा तो ओमेगा टू न्यू वाला और ओमेगा टू डैश ओल्ड वाला तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा टू की जगह ये आ रहा है, ओमेगा टू डैश की जगह ये आ रहा है, और कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ पे बराबर इनकॉर्पोरेट किया तो ये रूट फोर बाई फाइव यानी टू बाई रूट फाइव इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन का थोड़ा लेंथी है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आपको यू शुड नो हाउ टू वर्क आउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।